क्लास टेंथ मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.4 को आज हम डिटेल में बहुत इजी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखो, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए ना आपको ये थ्योरम पढ़ने पड़ेंगे, थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7। इन्हें आप पढ़ लेना। ये जो भी चीज़ बोल रहा है ना उसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए एक नोट्स के रूप में बना देता हूँ, ठीक है। इसका जो कंक्लूजन है वो मैं आपको एक नोट्स पर लिखा देता हूँ ताकि आपको मैं चीज़ें और भी सिंपल तरीके से समझा पाऊँ, ठीक है। तो आप क्या लिखना है यहाँ पर, रिजल्ट करके लिख लेना, ठीक है, या फिर थ्योरम करके लिख लेना नोट करके, जो भी आपको अच्छा लगता है। सो नंबर 1, देखो क्वेश्चन जो आपके पास आएगा वो आएगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। एक रैशनल नंबर भी आपको गिवन होगा, आपको क्या गिवन होगा, एक रैशनल नंबर, और आपको बताना होगा कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्या है। जहाँ पर ये जो क्यू है ना उसकी वेयर, क्यू की वैल्यू क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी, और पी और क्यू आपके इंटीजर होंगे, और फिर बोलेगा आपसे क्या ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है, क्या है भाई बताओ, ठीक है, ये आपसे बोलेगा, ठीक। सो जो रिजल्ट है, पहला रिजल्ट क्या है, क्योंकि जो रूल्स बने हैं वो रूल्स क्योंकि ये बने हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर की बात हम करेंगे और उसी के बेस पर हम बताएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, या क्या है। यहाँ पर लिखना, इफ वी फैक्टराइज द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर, जो भी हमारे पास रैशनल नंबर देगा उस रैशनल नंबर का अगर हम डिनोमिनेटर को क्या करें, फैक्टराइज करना आता है ना, नीचे लिखते हैं फैक्टराइज करते हैं। अगर फैक्टराइज करने पर, ठीक है, नंबर वन केस ले रहे हैं हमें क्या मिलता है, अगर हम डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करें, अगर हमें 2m के फॉर्म में मिले फॉर्म, इसका मतलब क्या है, 2m का फॉर्म का मतलब कि 2 × 2 × 2 × 2 × इस फॉर्म में अगर आता है कि 2 कई बार मल्टीपल्स में आ रहा है, 3 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है, 1 बार हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो उस केस में क्या होता है, क्या होगा, टर्मिनेटिंग, ठीक है, उस केस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्लियर। कि अगर हम कोई रैशनल नंबर लेते हैं और उसका डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करते हैं और 2m के फॉर्म में आता है तो तब वो वहाँ पर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सेकंड केस ये बन सकता है कि 5m के फॉर्म में बने, मतलब 5 × 5 × 5 इस तरीके से आता रहे, ठीक है। तो जब ऐसा आएगा तब भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। यही सब थ्योरम में लिखा है तो मैं आपको प्रॉपर इजी वे में लिखवा दे रहा हूँ। तब भी क्या हुआ, टर्मिनेट होगा, मतलब 5^1 भी हो, 5^2 भी हो, ठीक है, सिर्फ 2m के फॉर्म में आएगा टर्मिनेटिंग, 5m की फॉर्म में आएगा तब भी टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर दोनों आ जाते हैं, थर्ड केस कि 2m तो मैं m बोल रहा हूँ इंटू 5m मैं n बोल रहा हूँ, ठीक है, 2 × 2 × ऐसे कुछ मल्टीपल में, और उसी के साथ साथ 5 भी है, 5 × 5 × 5, मतलब अगर सेम रहेगा पावर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, m और n यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकते हैं और m और n यहाँ पर इक्वल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर इस फॉर्म में आ जाता है, सपोज करो ऐसे मेरे पास आ गया 2^3 × 5^4 इस रूप में, और या फिर 2^3 × 5^3 इस फॉर्म में भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उन केस में भी क्या होगा, टर्मिनेटिंग, उस केस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्लियर। अब नॉन टर्मिनेटिंग कब आएगा उसकी भी बात कर लेते हैं, केस 4। देखो एक चीज आ रही है, 2m है, ठीक है, 2m है, और कुछ और आ गया इसके साथ साथ, जैसे 7 आ गया 7^n आ गया, 3^ कुछ भी, कुछ भी हो सकता है, 3^3 × 2 सिर्फ 2 है, तब इस केस में क्या होगा, तब इस केस में होगा नॉन टर्मिनेटिंग,
देखो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जो ये चीज़ समझ गया ना, उसके लिए एक्सरसाइज एकदम हलवा है, एकदम आसान हो जाएगा उसके लिए। तभी मैं इसको बारीक से समझा रहा हूँ। 2 की पावर m तो है ही है, साथ में साथ ये भी चीज़ है। तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा। रिपीट, रिपीटिंग मतलब रिपीट करेंगे, ठीक है। अब या फिर मेन चीज़ तो यहाँ से ये निकल के आती है कि नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अब फिफ्थ पे आ जाओ, फिफ्थ केस पे आ जाओ कि जैसे ये 2 की पावर है तो 5 की पावर अगर m भी होता और ये दुनियादारी भी होती, 7 की पावर 3, 3 की पावर 5, कुछ भी हो जाए, तब भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तब भी क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड रिपीटिंग। अगर सिर्फ ये आ जाए, सिर्फ और सिर्फ जैसे कि केस 6 हो जाएगा, ये दोनों नहीं आ रहे, ठीक है, ये दोनों नहीं आ रहे, तब क्या होगा। अब ये दोनों भी आ जाए तब क्या होगा, 2 की पावर 5 × 5 की पावर m ये है, उसके अलावा 3 की पावर समथिंग है, ठीक है, 7 की पावर समथिंग, ऐसे कुछ नंबर्स अगर आ जाएँ तब क्या होगा, तब भी होगा नॉन टर्मिनेटिंग, सिंस ये दोनों टर्म आए इस वजह से। एंड क्या होगा, रिपीटिंग, यहाँ पर भी ऑन रिपीटिंग, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके मन में अगर ये दो ना आए, सिर्फ ये चीज़ आए, जैसे कि 3 की पावर m आ गया, 7 की पावर 5, कुछ n आ गया, इस फॉर्म में अगर आ जाए इन दोनों को छोड़ के, तब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, तब भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एंड क्या होता है ना कि नॉन टर्मिनेटिंग दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है कि जैसे अगर मैं आपकी बाबू एग्जांपल दूंगा अभी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रिपीटिंग भी नहीं है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा और रिपीट नहीं करेगा लेकिन इसमें, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी आपको लिखाया है, ये टेबल तो भाई आपको लिए बहुत ज़रूरी है। चाहो तो इसको लिख के आप अपने सामने डेस्क पे चिपका दो, रोज़ देखो। इस टेबल को जिसने समझ लिया, जिसको समझ आ गया, उसके लिए क्वेश्चन टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग बहुत ही सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर लेना आप। अब आते हैं एक्सरसाइज में, मेन चीज़ पे। ये एक्सरसाइज 1.4 कह रहे हैं, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविज़न, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। किसकी बात करनी है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, इसकी बात हमें करनी है। सो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन में मैं लैंग्वेज लिखाऊंगा प्रॉपर, बाकी क्वेश्चन में सेम लैंग्वेज रिपीट होगी, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, हियर डिनोमिनेटर, हालांकि हो सकता है कि मैं स्पेलिंग गलत लिखूं, तो समझ जाना आप, 3125 ये मेरा डिनोमिनेटर है, फैक्टराइज करना होता है, फैक्टराइज द डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज करना है, 3125 है, इसको क्या करेंगे, हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने का रूल पता होना चाहिए, 2 से कौन नंबर डिवाइड होता है, 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, 4 से कौन सा डिवाइड होता है, 5 से कौन सा डिवाइड होता है, इसके रूल है पर्टिकुलर, जो कि आप क्लास 4-5 से पढ़ के आ रहे हो, तो वो तो मेरे को सिखाने की ज़रूरत नहीं है अभी हम यहाँ पर। देखो 5 6 30, 12 हो गया, 5 2 10, 5 5 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के एंड पे अगर 5 और 0 होते हैं तो वो नंबर 5 से डिवाइड होते हैं, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5, तब तक करना है जब तक कि 1 ना आ जाए। हियर, हियर जो इसका जो मैंने फैक्टराइज किया, तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 5 कितनी बार है,
पांच बार है तो पावर में क्या लिख दोगे? 5। ठीक है, फिर रीजन क्या दोगे? सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, देयर फोर 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा, मैंने बताया था, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। और प्रॉपर लिखोगे तो लिख आगे क्या लिख देना? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर आंसर हो जाएगा। सो ये लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करना है। ठीक है, पार्ट वन हमने कर लिया। ये वीडियो मैंने बना रखी थी, लेकिन वो वीडियो बहुत शॉर्ट बनाई थी, 14 मिनट की, और उसमें मैंने बस थ्योरम बताया था जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, 2-3 क्वेश्चन करा दिए थे। तो इस वीडियो में वो चीज़ मैं नहीं करना चाहता। इस वीडियो में बच्चों की शिकायत आएगी, सर आप सारे क्वेश्चन कराया करो, तो हम सारे क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, 17/8, तो लैंग्वेज तो वही लिखोगे हियर डिनोमिनेटर करके ना, तो क्या करेंगे? फैक्टराइज नाउ, मैं अब शॉर्टकट करने लगूँगा। ठीक है, समझ जाओगे कि लैंग्वेज क्या लिखनी है हमें। 8 का क्या करना होगा? फ्रैक्शन, 2 4 2 2 2 1 है ना। यहाँ देखो, 8 का जब आपने फैक्टर किया तो 2 कितनी बार मल्टीपल में आया? 3 बार। तो आप क्या लिखोगे? सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, और एक चीज़ देखो, मैंने सारे चैप्टर करा रखे हैं, सारे चैप्टर करा रखे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके साथ साथ आपके जो होते हैं लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, वो सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। ठीक है, या फिर आप बेस्ट प्रिपरेशन के लिए मेंबरशिप प्लान भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही चीप है। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास है 64/455। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है थर्ड, इसको करेंगे अब हम। देखो नाउ, हमें क्या करना होता है? 455 का क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, तो कितनी बार जाएगा? 5 लास्ट में, 5 9 45, 5 1 5, किससे जाएगा? 7 से। ठीक है ना, 7 1 7 21 हो गया, 7 13 21, 13 1 13 बिकॉज 13 एक प्राइम नंबर है। हियर जब आपने 455 का किया तो 5 तो आया, इंटू 7 आया, इंटू 13 आया, तो 5 की पावर 1 है। 5 के अलावा बाकी जो नंबर आ रहे होते हैं तब क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो लिखोगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 की पावर m, 7 की पावर n, कुछ भी लिख दो, 13 की पावर p, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, देखिए पार्ट 4 पे आ जाओ। देखो 15/ ये है। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट पे आ जाएंगे। ये नाउ लैंग्वेज तो आपको पता ही है, सो इसका हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, 1600 का हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अब ये क्या हो जाएगा? देखो तो 1600 को ना लिख के देखो, इसको मैसेज भी लिख सकते, 15/16/100। ठीक है, 16 क्या लिख सकते? 100। अब 16 का फैक्टराइज कर लेना, 100 का अलग फैक्टराइज कर लेना, वरना कर तो यही कर सकते हो। 2 8 00, 2 4 00, 2 1 00, 2 5 25, 5 5 5 1 1। ठीक है, सो 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 6 बार
हियर जो डिनोमीटर है, डिनोमीटर क्या है 1600, वो किस फॉर्म में, टू की पावर कितनी, टू कितनी बार है, तीन और तीन छः बार, टू की पावर सिक्स, और फाइव कितनी बार है, टू बार, सिर्फ टू और फाइव के फैक्टर आ रहे हैं, इट इज इन द फॉर्म ऑफ टू की पावर एन एंड फाइव की पावर एन, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है प्रॉपर, क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्म में है, ठीक। ये भी हो गया प्रॉब्लम हमारा आसानी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पार्ट फाइव में 29/343, क्या करना है हमें, 343 का क्या करना है, फैक्टराइज करना है। सो कितनी बार जाएगा, किससे डिवाइड करोगे, सेवन से जाएगा, सो चौको 28, 63 के साथ, 7 9 63, फिर आ जाएगा 7 7 जा, ठीक है, एंड 7 1 7। हियर जब डिनोमीटर 343 का हमने फैक्टराइज किया तो मुझे 7 की पावर 3 मिला, ठीक है ना। तो इसमें 2 × 5 का मल्टीपल है नहीं, उसके अलावा आ रहा है, सिर्फ 7 आ रहा है, सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ, जब 2 और 5 के मल्टीपल्स के अलावा कुछ और आ जाता है तब ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, इन द फॉर्म ऑफ 7 to the power m, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिक्स पार्ट में देखो फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले से ही इसने फैक्टराइज करके रखा है, क्या यहाँ पर 23/2 × 5/2, हियर जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, इस फॉर्म में, हियर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m × 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यही बताना था हमें, आराम से हो गया, ठीक। ऐसे ही सेवेंथ पार्ट भी आराम से हो जाएगा, करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या यहाँ पर 129/2 × 5/7 × 7/5, तो पहले से ही फैक्टराइज किया हुआ है। देखो ये चीज़ तो है, सिर्फ ये होता तो टर्मिनेटिंग होता, इसके अलावा अनशंड आ जाएगा तब क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, हियर डिनोमीटर हमारे पास क्या है, 2 की पावर 2 5 की पावर 7 7 की पावर 5, इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n 7 की पावर p, कुछ भी लिख दो, m n p पावर में ना, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये क्या लिख दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, पता चल गया, क्योंकि इसके अलावा एक्स्ट्रा ये आ जा रहा है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखो एक बड़ा ज़बरदस्त खेल खेल दिया एनसीईआरटी ने हमारे साथ। खेल क्या है, ये नेचुरल होता है, जो थ्योरम मैंने आपको बोला, कई बच्चे ना कभी कभी क्या करते हैं कि ऊपर नहीं देखते हैं, ये गलती हमसे भी कभी कभी हो जाती है, और इसी वजह से हमेशा देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रेशनल नंबर दे रखा है ये और सिंपल हो सकता है। अगर आप सिर्फ 15 का फैक्टर करें तो 15 को हम कैसे देखते हैं, 3 × 5,
आप बोलोगे सर 5 के अलावा 3 आ रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आपकी बात बिल्कुल सही है क्योंकि 5 के अलावा 3 आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन भाई इसको पहले देखो तो, ये जो 6/53 दे रखा है आपको, इसको सिंपल करो। 3 2 3 5 तो ये क्या है, ओनली 2/5। दिस फंक्शन ये नहीं, ये है, ये बायरोपिया है आपका, आपको भ्रम कर रहा है। तो ये इसका सिंपल फंक्शन है, ठीक है। ये प्रॉपर इस आपका फ्रैक्शन हुआ। अब ये जो फ्रैक्शन सिर्फ ओनली 5 है, हियर जो डिनोमिनेटर है वो 5 है, यानी कि इट इज़ किस फॉर्म है, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power m, है ना। सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर आया समझ में? तो ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाऊं, 9th। यहां पे क्या है देखो, 35/50, ठीक है। ये 35/50 है तो इसे भी आप सिंपल कर सकते हो, लेकिन डिवीजन करने के लिए उसमें मना कर रखा है। तो देखते हैं, इसे एक्चुअली हम लिख सकते हैं 5 × 7, इसे लिख सकते हैं 5 × 10। तो 5 से 5 क्या है, ये एक्चुअली क्या है, 7/10। और 10 का जब आप फैक्टर करोगे तो ये क्या आएगा, 2 × 5, 2 5 10 होता है। सो ये किस फॉर्म में आ गया, हियर 2 की पावर 5, 5 की पावर n फॉर्म में आ गया, ठीक है। तब क्या होता है, तब होता है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा समझ में? ये प्रॉब्लम भी हमारा आराम से बन जाएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट में, 77/210, ठीक है। इस प्रॉब्लम में भी आ जाओ, तो जब देखो हम 77 को लिख सकते हैं 7 × 11, और 210 को लिख सकते हैं देखो, ठीक है। सो ये छोड़ो, सिर्फ इसको देखो, हियर 210 का फैक्टराइज करेंगे तो 2 1 2 0 2 5 10, 5 2 5 1 3 7 7 1, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में आ गया, डिनोमिनेटर किस फॉर्म में आ जाएगा, 2 कितनी बार है, 1 बार, 5 कितनी बार है, 1 बार, बाकी 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, इसके अलावा ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आराम से बन गए सारे प्रॉब्लम, बहुत ही सिंपल थे, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम हमारे इजीली बन गए। अब आ जाओ सेकेंड प्रॉब्लम में, सेकेंड प्रॉब्लम में क्या बोलना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं ना, जो जो चीज़, जो जो प्रॉब्लम टर्मिनेटिंग था, उसको प्रॉपर सॉल्व करके डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो देखो, जब हमने क्वेश्चन किए थे ना, जब हमने क्वेश्चन किए थे तो जो जो टर्मिनेटिंग आया था वो मैं आपको बता देता हूँ, इन क्वेश्चन में कौन कौन सा टर्मिनेटिंग था, ठीक है। और फिर इसको डिवाइड करके आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख देंगे यहाँ पर, टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। सो नंबर 1 थोड़ा थोड़ा गैप करके लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन भी करनी है। 2 3 4, जो पहला टर्मिनेटिंग हमारे पास जो नंबर था वो आया था, पहला वाला ही, 13/3125, ठीक है। ये आया था हमारे पास टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट जो वो था 17/8, ठीक है। उसके बाद जो आया था नेक्स्ट टर्म वो था 15/1600, ठीक है। उसके बाद जो टर्मिनेटिंग हमारे पास नंबर आया था वो था 23/2 की पावर 3 × 5 की पावर 2, ठीक है। उसके बाद जो आया था, जो हमारे पास नेक्स्ट टर्मिनेटिंग वो था 6/15,
और उसके बाद जो हमारे पास आया था वो था 35/50। ये नंबर हमारे पास जो थे वो थे टर्मिनेटिंग। अब इसको प्रॉपर सॉल्व करके आपको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मतलब अब आपको डिवाइड करना आना चाहिए, डिवाइड करना आना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। अब डिवाइड करके मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि डिवाइड तो छोटी क्लासों से आप सीखते आ रहे हो ना। ये जो टर्म है इसको आपको डिवाइड करना है। तो देखो आप, ये 13 है, यहाँ पर इसको ऐसे रखो। जब आपने फैक्टर किया था इसका 3125, तो इसको जो फैक्टर किया तो 5 के 5 मल्टीपल्स आए थे। कितने मल्टीपल्स आए थे? 5 के 5 मल्टीपल्स। थोड़ा सा ट्रिक समझा दे रहा हूँ मैं, 3 और 2 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 13 into 5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5। 13 को जब 15 से आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 13 में जब आप 15 से डिवाइड करोगे, 15 बोलो 5 से डिवाइड करोगे तो 2.6 आएगा, और 1 में जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो 0.2 आएगा, यानी कि 0.2 इधर से, 0.2 इधर से, 0.2 इधर से, और 0.2 इधर से। और इन सभी टर्म्स की जब आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, पहले इसकी इसके साथ करोगे जो आएगा उसको इसके साथ, फिर जो आएगा उसको इसके साथ, फिर जो आएगा उसको इसके साथ। तो एक तरीका तो देखो यहाँ से ही है, 2 × 4 × 8 × 16, ठीक है, 16 आएगा, लेकिन डेसिमल कितने प्लेस के बाद है? 1, 2, 3, 4, तो यहाँ तो 2 ही है, तो यहाँ हो जाएगा। अब इसके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो आंसर आएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, 0.00416। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अब इसमें तो देखो 17/8 है, 8 से आपको डिवाइड ही करना है, ठीक है, ये 17/8 है, इसमें तो आपको प्रॉपर डिवाइड करना है। तो जो आप डिवाइड करोगे 2.125 जाएगा, टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा डिवाइड हो ही जाएगा। इसमें लॉजिक क्या है देखो, 15, ठीक है, अपॉन 16 × 100। इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 15/16 है, तो 15/16 को जब मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, जब डिवाइड करूँगा तो 9375, इतनी बार जाएगा डिवाइड करोगे तो 16 से 15 में, और अपॉन में कितना है 100, तो पॉइंट और दो डिजिट और इधर लग जाएगा, यानी कि 9375 है, दो डिजिट और लगेगा तो 2 0 और बना दो यहाँ पर आंसर, ठीक है, क्योंकि अपॉन में 100 और डेसिमल 2 प्लेस इधर और खिसकेगा तो 2 नंबर और है ही नहीं, तो और 2 डिजिट यहाँ पर बन गए, तो ये भी हो गया। ये चीज़ देखो, इसको क्या, इसकी पावर भी 3 है, इसकी पावर भी 3 बनाओ तो 23 है, 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 बनाने के लिए 5 की पावर 1 से ऊपर नीचे क्या बनाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है, 5 × 15, 5 × 10, 10 × 1 = 11, नीचे आ जाएगा 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। इसका मतलब ये होता है 2 × 5 = 10, 10 की पावर 3, ठीक है, यानी कि पॉइंट आपको कितने प्लेस के बाद लगाना है, 3 प्लेस के बाद, 1, 2, 3, 0.115, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने अपने सॉल्व किया था, तो ये किया था हमारे पास 3 × 2 = 2, 5 × 2, तो यहाँ पर पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाओगे, 0.4 × 25 = 20 है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पर है देखो, तो 5 × 7 = 5 × 10, 5 × 5 = 7/10 है, तो इसको ये आ जाएगा 0.7। तो ये हमारे सारे डेसिमल एक्सपेंशन आ गए, ठीक है, ईजीली। तो ये क्वेश्चन हमारे ईजीली बन गया। अब आ जाओ लास्ट पार्ट में, कह रहे हैं द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। कौन सा रैशनल है कौन सा नहीं वो आपको बताना है। इफ़ द रैशनल नंबर, अगर वो रैशनल नंबर हैं तो आपको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में उसे लिखना है,
व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, फिर क्यू का आपको प्राइम फैक्टर भी करना है, ठीक है? ओके, सो पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाऊँ, लॉजिक में आपको समझाऊंगा। पहला वाला क्वेश्चन तो देख के ही पता लग रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक है, टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा फिक्स्ड है। तो यहाँ पर ये देखो टर्मिनेटिंग है, सिंस इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, सो इट इज अ रैशनल नंबर। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है, देखो यहाँ पर क्या है 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो पूरा नंबर यहाँ पर लिख दो, ठीक है? ये पॉइंट को हटाओ, एक डिजिट बढ़ गया, कितने नंबर है 9, तो 9 डिजिट बढ़ जाएंगे, कितने डिजिट बढ़ जाएंगे 9 डिजिट, 3, 3, 6, 3, 9। अब मैं आपको एक सुपर ट्रिक बता रहा हूँ, लंबा चौड़ा करने की जरूरत है, कितने डिजिट हैं यहाँ पर, कितने जीरो हैं 9 0। तो इसका जब आप फैक्टराइज़ करोगे, क्योंकि आपको बोला है क्यू का फैक्टराइज़ भी करना है, तो फैक्टराइज़ करोगे ना, तो ये 2 × 5 तो आएगा ही आएगा, 2 × 5 आएगा, कितने जीरोज हैं 9, तो इसकी पावर भी 9 होगी और इसकी पावर भी 9 होगी। आंसर सुपर ट्रिक, क्लियर? ये इसका डिनोम फैक्टराइज होगा, आराम से बन गया। अब आ जाओ सेकंड वाले प्रॉब्लम में, सेकंड वाला प्रॉब्लम आपका रैशनल नंबर नहीं है, क्यों? अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। जब भी आप डेसिमल एक्सपेंशन में जब रिपीटिंग आता है, देखो ये चीज़ ना रिपीट करेगी, ये चीज़ क्या करेगी, रिपीट करेगी, क्योंकि इसमें एक पैटर्न है और इसमें कोई पैटर्न नहीं है। देखो यहाँ पर 1201, फिर 1200, डबल के बाद 000, कोई फिक्स चीज़ नहीं है जो बार 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 आ रही है, यहाँ पर फिक्स नहीं है और यहाँ पर एक पैटर्न है जो बार बार आएगा, ठीक है? इस वजह से ये आपका रैशनल नंबर होगा बट ये नहीं होगा, ठीक है? तो आप क्या लिखोगे, ये क्या है, एक नॉन डेसिमल, सॉरी नॉन डेसिमल बोल रहा हूँ, नॉन रिपीटिंग, ठीक है? क्या लिखोगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है ये, इस वजह से ये क्या होगा, ये रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, सो ये चीज़ क्या है हमारे पास, ये एक फ्रैक्शन जो दे रखा है इसमें रिपीट कर रहे हैं हमें, हमारे पास ये क्या चीज़ हो रही है, रिपीट कर रही है। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन इज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे हैव रैशनल और नॉट। अगर वो रैशनल है तो पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखूँ, और फिर आप क्यू के फैक्टराइज के बारे में क्या कह सकते हो। तो सेकेंड वाला तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, इसी वजह से ये क्या नहीं होगा, रैशनल नंबर नहीं होगा, ठीक। एंड थर्ड वाले में क्या है, देखो ये डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो आपका रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, इसी वजह से ये क्या हो जाएगा, इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जब रिपीटिंग होता है ना तो इसे हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ठीक है? जब कोई चीज़ रिपीट करने लगेगा तो उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे, कोई पैटर्न मिल गया हमें यहाँ पर एक, तो ये एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है एक्चुअली, यहाँ पर इसने ये लगा दिया, एक पैटर्न दिख गया हमें, मतलब नेक्स्ट टर्म इसके बाद वही आना है, फिर वही आना है, चलता रहेगा, ये क्या है एक्चुअली, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इट्स इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर, क्योंकि इस वजह से रिपीटिंग है ना, रैशनल नंबर, ठीक है? सो इसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, 43, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये पॉइंट हटेगा और कितने जीरो बढ़ जाएंगे 9, ठीक है? 9 जीरो बढ़ा दिए हमने,
ये क्यू है, क्यू का जब फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 9 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 9 आ जाएगा आंसर। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में ज़रूर आएंगी, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता जितना आसान मैंने आपको समझाया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।